कोरोना महामारी ने फिर से एक बार दस्तक देते हुए सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दी है। ऐसे में कोरोना को लेकर जन जागृति का काम डीआरएम कार्यालय द्वारा बखूबी के साथ रेल के यात्रियों के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय मेरे इन्होंने बातचीत की है सहायक वाणिज्य प्रबंधक एसजी राव इनसे, आइए देखते हैं। वुहान से आई कोरोना इस महामारी ने अब तक हजारों लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत की नींद सुला दी है। कोरोना का बढ़ता प्रभाव और उससे बढ़ रहे संक्रमित मरीजों की संख्या चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना के मरीजों में काफी इजाफा हुआ है। शहर और राज्य की जनता दूर का सफर करने के लिए ट्रेनों से आना जाना कर रहे हैं। नागपुर से प्रतिदिन दर्जनों ट्रेनों का आना जाना शुरू है। कोरोना वायरस को देखते हुए ट्रेन में सफर करने के लिए स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों के लिए क्या रेल प्रशासन द्वारा कोई एहतियात कदम लिए जा रहे या नहीं, इस बारे में हमारे संवाददाता संजय मिरे इनसे सहायक वाणिज्य प्रबंधक एसजी राव इन्होंने बातचीत की है और कोरोना महामारी पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, इसके लिए डीआरएम कार्यालय द्वारा यात्रियों के लिए क्या सुविधा की जा रही है, इस बारे में खुलकर बातचीत की, आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। कोरोना को लेके कई अटकलें जारी है। कोरोना के कार्यकाल में क्या हम सफ़र कर सकते हैं? अगर हमें सफ़र करना है तो सफ़र किस तरह से होना चाहिए? आइए तमाम बातें जानने के लिए आज हम डीआरएम कार्यालय में आए हुए हैं, जहां पे सहायक वाणिज्यक प्रबंधक एसजी राव साहब है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। राव साहब, ये बताएं कि जिस तरह से लॉकडाउन की घोषणा अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, लेकिन कोरोना का जो काम का जो बढ़ रहा है उसको लेके अवेयरनेस के तौर पर आप जो यात्री है उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? नमस्कार जी, मैं आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मामले फिर से बढ़ रहे हैं, तो जो भी रेलवे स्टेशन में या रेल से यात्रा करना चाहेंगे तो उनसे निवेदन रहेगा कि वो यात्रा के दौरान मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हमारे जो नागपुर मंडल या सभी स्टेशनों पर जो है हमारे यहाँ के, वहाँ पे हमारे यहाँ थर्मल स्कैनिंग होता है जब भी जो भी आते हैं, तो थोड़ा आप एक डेढ़ घंटे पहले पहुँचें तो थर्मल स्कैनिंग होता है, फिर करके ही फिर आप अंदर जाना। और यात्रा के दौरान भी आप कृपया मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। सर, बीच के दौरान ऐसे देखने में आया हुआ है कि कई ट्रेन पूरी तरह से बंद थी, क्या सुचारू ढंग से फिर से ट्रेन रेगुलरली चलने वाली है इस कोरोना को लेकर? देखिए, अभी काफ़ी कुछ गाड़ियाँ रेलवे ने फेज्ड मैनर में शुरू किया है कोविड स्पेशल के नाम से, तो काफ़ी ट्रेनें अभी शुरू हो गई जो मेन रूट्स में, मैक्सिमम ट्रेन्स तो काफ़ी शुरू हो गई हैं और यात्रियों लोगों का यात्रा शुरू हो गया है, तो अभी तो चल रहा है, काफ़ी यात्री गाड़ियां तो हमारी शुरू हो गई हैं। सर, आए दिन एक भी देखने में आया कि जिस तरह से ट्रेन के अंदर में जो डकैती थी जो होने वाली थी, या बाहर से जो देसी शराब या जो जखीरा जो था बड़े पैमाने पे एमडी ड्रग्स हो, इसको जो बरामद किया गया, एक रेलवे की काफी जो उपलब्धि है, इसको लेके क्या कहना चाहोगे आप? ये देखिए, हमारे यहाँ जो आरपीएफ का जो टीम है वो हमेशा मुस्तैद रहता है। हमारे जो टेक्नोलॉजी है सीसीटीवी वाला, जो नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह लगाए हैं उन्होंने, तो उससे काफ़ी कुछ उनका वॉच रहता है कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हुआ तो, और बार बार वो देखते हैं कभी कोई जैसा शराब लेके जा रहे हैं या गांजा है, वो हमारे टीम्स ने उनको टाइमली पकड़ा है और उन पर कार्रवाई किया है। तो हम यही आशा करेंगे कि इसके जो भी यात्रा करेंगे सुरक्षित यात्रा के लिए कोरोना के दौरान, आप जो है वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। तो आप थे सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक डॉक्टर एजी राव साहब, जिन्होंने बखूबी और विभाग के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से हमने अपने आप के कामकाज करना चाहिए, और दर्शकों को यानी खासतौर पर यात्रियों को ये बताया गया है कि जब भी आप भीतर प्रवेश करते हो तो आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, सैनिटाइजिंग होगा, और आपको पूरे मुस्तैद के साथ रहना है और हर कामकाज करना है, क्योंकि कोरोना का बचाव यदि करना है तो हमें महफूज रहना होगा। उसके लिए जो गाइडलाइन जो दिए गए हैं उसका पालन करना, ये तमाम प्रशासकीय अधिकारी और तमाम राज्य के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या जो जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी उनके साथ में, शहर के नागरिकों का भी ये काम होगा कि उन्होंने कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए सुचारू ढंग से सभी को सहयोग करना चाहिए और कोरोना के जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि भारतीय रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति जो है। डीआरएम कार्यालय से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।